मुंडा पुलिस मुंडा पाल मुंडा पाल मुंडा पाल मुंडा पुलिस हाय 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 पुलिस मुंडा पाल मुंडा पाल मुंडा पाल मुंडा पुलिस नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बीते दो दिन पहले जिस तरीके से 4 नंबर जीएम रोड पे पूरे परिवार को जलाने की कोशिश और उसके बाद तमाम विरोधी दल के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा, वहीं आज राष्ट्रीय जनता दल के महानगर अध्यक्ष श्री राकेश कुमार नायक ने सीनियर नेताओं के साथ राष्ट्रीय जनता दल नेताओं के साथ विरोध मार्च निकाला और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। उन्होंने बताया कि दरभंगा थाना क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में वरीय पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से अपराधी शिव कुमार झा के द्वारा रीता झा के साथ हुए जघन्य अपराध एवं उनके परिवार के 3 व्यक्ति जिंदा जलाने देने का प्रयास एवं मकान पर बुलडोजर चलवा देने के खिलाफ युवा राजा दरभंगा के साथियों के द्वारा आयकर चौक चौराहे पर विरोध मार्च निकाला गया। तत्पश्चात वरीय पुलिस प्रशासन एवं बिहार के थके हारे निर्लज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। ऐसे वाक्यों को उन्होंने आज मीडिया को बोला। वहीं जनता दल के महानगर अध्यक्ष रमाशंकर सहनी जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुलाम हुसैन चीना जी ने इन सभी बातों को बताया कि यह जो घटना हुआ इसमें भूमि माफियाओं के साथ दरभंगा पुलिस प्रशासन की भी मिलीभगत है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने और क्या कहा पत्रकारों को इस विरोध पे, आइए सुनते हैं। इसी भूमि माफिया के द्वारा जो जलाया गया उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने पिछले रात को 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जो अभिव्यक्ति है जो मेन है वो फरार है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रेशर पे काम कर रही है, जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया है उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, हमारे पास तो इसकी भी जानकारी है। ये सिवाय निर्दोष लोग जो पिछले किसी एक आध मामले में संलिप्ति कहीं कहीं रही है और जिनका 2-4-5 साल पुराना कोई भूमि विवाद के संबंध में कहीं कोई किसी प्रकार के प्रकरण में सम्मिलित रहे हैं उन लोगों को उठा रही है। यानी कहने का मतलब खाना पूर्ति है, 2 घंटा तक यहाँ तांडा मचाते रहे और आपने यहाँ तक भागने का काम नहीं किया और आप अभी आप उसकी घर की सुरक्षा दे रहे हो और आप वैसे लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हो। आप वैसे लोगों के तह में जब जाएंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ दबाव में निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ने का काम कर रही है। जो तो दोषी व्यक्ति है वो तो क्राइम पर चले गए नेपाल, आप ढूंढ रहे हो उनको। घटना स्थल से कुछ दूरी में विश्वविद्यालय थाना है, यदि कहीं शराब मिलती है तो कोई भी थाना वहाँ जाके अटैक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ उस समय में ये कहा जा रहा है कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है। मेरी चाबी जो भरने वाले हैं प्रभारी SSP जो अभी थे वो तो 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त थे, वो सीधा सीधा बड़े पैसे का लेन देन है। इस मामले में ये करोड़ों की भूमि मानी जाती है, दरभंगा का प्रतिष्ठित व्यवसायी, यहाँ बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े ज्वेलरी की शॉपें हैं यहाँ पर, तो इस जमीन का क्या मोल होगा उसके हिसाब से दरभंगा पुलिस पैसे के बल के तले पैसे के नीचे सोई हुई रही। उस रात में इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ है और इनके जो वरीय पदाधिकारी है उनकी संलिप्ति है, तो ये सब क्या है, सब तो प्यादा है छोटे मोटे। स्पीकर, विधानसभा के कहते हैं कि सर पुलिस सिर्फ शराब माफियाओं को पकड़ी और किसी चीज़ में नहीं देख रही है, एक वायरल वीडियो है उनका। देखिए बिहार में हर जगह होम डिलीवरी है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शराब अभी अवेलेबल नहीं है और झूठ मूठ का सारे प्रशासन को इसके पीछे मतलब व्यस्त करके रखे हुई है सरकार और झूठ मूठ का ढिंढोरा पीट रही है शराब के लिए। और जबकि जो मेन पुलिस का काम था कि गुंडा बदमाश जो भी भू माफिया है जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है, गरीब के सुरक्षा के लिए, शरीफ के सुरक्षा के लिए, उस चीज़ को पुलिस बिल्कुल भूल गई है, प्रशासन बिल्कुल भूल गई है, बस ये शराब और शराब के पीछे परेशान है जिससे ना कुछ होनी ना जानी है, शराब बिक ही रहा है, होम डिलीवरी हो ही रहा है, ये सब जंगल राज, इससे बड़ा जंगल राज मुझे नहीं लगता है कि कभी आने वाले भविष्य में भी होगा यहाँ बिहार में। क्या सरकार ने जिस तरीके से शराब माफियाओं का नाम पता ठिकाना हर थाने में, भूमि माफियाओं को भी लगा देना चाहिए भूमि माफिया का नाम लिस्ट? देखिए मैं कहता हूँ कि हर वो आदमी का लिस्ट प्रशासन के पास होना चाहिए जो गरीब मजलूम जो परेशान लोगों पर अत्याचार करता है। पुलिस है काहे के लिए, प्रशासन है काहे के लिए, संरक्षण के लिए ना है, सुरक्षा के लिए ना है, जब सुरक्षा का काम ही नहीं करती है पुलिस, कर ही नहीं पा रही है, पुलिस बिक रही है, तो ये इस प्रशासन का तो कोई मतलब नहीं बनता। बिहार में आज हर तरफ अपहरण लूट भू माफिया का कब्जा चल रहा है, उसी का एक भानगी दरभंगा की सरजमीन पर देखने को मिला जिसमें बेकार निर्दोष लोग
उसके अंदर भू माफिया के द्वारा जबरदस्ती उसके कब्जा करने की कोशिश की गई, वहाँ बच्चे मर गए और उसके घर में आज भी आकार मातम बना हुआ है और जिला प्रशासन बगल में रहते हुए वो अभी तक उसका पूछने वाला नहीं है, उसका हाल जानना नहीं किया। ऐसे मुख्यमंत्री का हम लोगों ने पूरा दहन किया है राकेश नायक जी की अध्यक्षता में, और आने वाले दिनों में अगर इंसाफ पुलिस को नहीं मिला तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। सारे घटनाक्रम में किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें जो है तो प्रशासन को डायरेक्ट दोषी हम लोग मानते हैं, क्योंकि प्रशासन बगल में रहते हुए और राकेश नायक जी ने सब जगह टेलीफोन किया लेकिन कोई संज्ञान किसी अफसर ने नहीं। अपना परिचय दीजिए। गुलाम हुसैन चीना अध्यक्ष भारतीय जनता दल। बता देना चाहते हैं कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा अगर न्याय नहीं मिलता। रामा शंकर थानी नगर अध्यक्ष राजन।